Hello and welcome. Welcome to this special session on Indian Constitution and Polity. आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है, दैट इज jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट. हाँ जी, अब jurisdiction क्या है? पहले मैं jurisdiction की बात करूंगा फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. हम जैसे हम सिविल प्रोसीजर कोड को भी जब स्टडी करते हैं तो उसमें भी हम jurisdiction की बात करते हैं. कोई मुझे बताएगा jurisdiction वर्ड को क्या कहीं पर डिफाइन किया हुआ है सीपीसी में? नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट ने जरूर अपने कुछ जजमेंट्स में बताया है कि jurisdiction वर्ड का मतलब क्या है. आज हमारा टॉपिक है jurisdiction ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पर पहले jurisdiction वर्ड का मतलब क्या है? कनिका, ज्यादातर आपको जुरिस्ट लीगल फिलोसफर्स वो यही बात बोलते मिलेंगे, jurisdiction means पावर ऑफ द कोर्ट टू टेक कॉग्निजेंस इन द मैटर, टू एंटरटेन अ केस. अगर एक केस को एंटरटेन करने की पावर कोर्ट के पास है तो हम कहेंगे कोर्ट की jurisdiction बनती है. समझ में आया भाई? ये वाला केस आज हमारा टॉपिक है jurisdiction ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है जी, हम पहले बात कर रहे हैं कि jurisdiction वर्ड का मतलब क्या है. तो कनिका ने जवाब दिया, अगर एक केस को हैंडल करने की पावर कोर्ट के पास है तो हम कहेंगे कोर्ट की jurisdiction बनती है. ये मामला इस थाने की jurisdiction में आता है, ये मामला इस कोर्ट की jurisdiction में आता है या नहीं आता है, ऐसी होता है. पर सुप्रीम कोर्ट कहती है ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है, ये 50% ऑफ द डेफिनेशन है. व्हाट इज रेस्ट ऑफ द डेफिनेशन? गुरमन, नहीं, jurisdiction कई प्रकार की हो सकती है, टेरिटोरियल jurisdiction, पेक्योरी jurisdiction, सब्जेक्ट मैटर jurisdiction, ठीक है. पर मैं ये पूछ रहा हूं कि jurisdiction वर्ड का मतलब क्या है. आधा मतलब तो ये है, If court can entertain that case, it means court has jurisdiction on that case. Plus, Supreme Court कहती है ये. Plus, if the court has the power to award the relief sought in the case. जिसने केस किया है वो जो मांग कर रहा है न्याय के लिए, कृपया ऐसे करें, ऐसे करें, कोर्ट से वो आग्रह कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है. तो जो रिलीफ मांग रहे हो वो वाला रिलीफ देने की पावर अगर कोर्ट के पास है, केवल तभी माना जाएगा कोर्ट के पास jurisdiction है. तो दो चीजों को मिला के jurisdiction बनती है. पहला, कोर्ट उस केस को एंटरटेन भी कर सके और कोर्ट उस रिलीफ को दे सके जो मांगा जा रहा है. अगर ये दोनों इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होते हैं तो हम कहते हैं कि यस, द कोर्ट हैज jurisdiction. तो आज के मेन टॉपिक पर फिर से आते हैं, jurisdiction of the सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. इसको हम एक नहीं कई हेड्स में स्टडी करते हैं. ओरिजिनल jurisdiction, ठीक है, एपलेट jurisdiction, एडवाइजरी jurisdiction, इस तरह कई हेड्स हैं. मैं आपके सामने इन सब हेड्स को अब रखना चाहता हूं. हियर कम्स द हेड्स इन फ्रंट ऑफ यू. ये देखिए, हम ऐसे स्टडी करेंगे 8 parts में, 8 तरह से. पहला, ओरिजिनल jurisdiction, रिट jurisdiction, appellate jurisdiction, advisory jurisdiction, court of record, court of record. लवलीन बताएगी court of record क्या है. Two essentials of a court of record. लवलीन नाम नहीं है आपका. लवलीन बोलो. लवलीन आप बताओ मुझे लास्ट में क्या contempt? Kanika, when do you call that this court is a court of record? Which are the two essential features of court of record? Pehla, power to punish for its own contempt plus अपने ही कंटेम्प्ट के लिए सजा सुनाने की ताकत होना, और दूसरा
रिकॉर्ड्स ऑफ इट आर ऑफ एविडेंशियरी वैल्यू, ये दोनों बातें अगर फुलफिल होती है तो हम कहते हैं दिस कोर्ट इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ओके, याद आ गया, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बट लोअर कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज नॉट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड बिकॉज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कैन नॉट पनिश फॉर इट्स ओन कंटेंप्ट। कंटेंप्ट का केस बना के वो कहां भेजते हैं? हाई कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल मूवी का नाम जॉली एलएलबी 2, वो सरदार को चप्पल मारी थी जज को, ठीक है जी, और उसको गुस्सा आया, उसे उसी टाइम का कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट, अंदर करो इसे, भेजो इसको हाई कोर्ट। अब हाई कोर्ट में केस चलेगा, समझ में आया? कंटेंप्ट से कौन देगी? हाई कोर्ट। क्लियर, चले आगे। तो हम एट हेड्स में डिटेल में स्टडी करेंगे क्या ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। करें स्टार्ट। चलो जी, सबसे पहले ये देखिए जी, ये हमारी एपेक्स कोर्ट है। पहले कभी प्रिवी काउंसिल हुआ करती थी, अब प्रिवी काउंसिल तो खत्म हो गई है, तो अब तो भारत की जो एपेक्स कोर्ट है वो ये है। और हमने वी हैव गिवन वेरी एक्सटेंसिव ज्यूरिसडिक्शन एंड वास्ट पावर्स टू द सुप्रीम कोर्ट, एंड दिस नॉट ओनली अ फेडरल कोर्ट। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट जो है वो केवल एक फेडरल कोर्ट है। ये फेडरल कोर्ट का मतलब समझाता हूं, सुनो, वर्ड आया है फेडरेशन। फेडरेशन यानी फेडरल क्या है समझो, 1787 में पहली बार ये वर्ड पूरी दुनिया के सामने आया था। क्या है ये? 1787 में दुनिया की सबसे पहली फेडरेशन बनी थी। हुआ क्या था? 13 कंट्रीज वर देयर, ठीक है, जिन पर कभी राज कर रहा था इंग्लैंड। इन्होंने क्या किया? स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, फ्रीडम ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड दे वन इंडिपेंडेंस। इन सबको आजादी एक साथ किसने दे दी? इंग्लैंड ने दे दी। अब इन्हें समझ में आया कि रियलिटी में हमने खुद ने इंग्लैंड के प्रोडक्ट्स को अच्छा माना, यूज किया, और हमारी इकोनॉमी पर उन्होंने कब्जा कर लिया। तो रियल चीज तो इकोनॉमी है। भारत में क्या हुआ था? वो लोग आए अपना सामान लेकर आए, उनका सामान अच्छा भी था, सस्ता भी था। चाइना ने हमारी इकोनॉमी को कैप्चर कैसे कर लिया? उनका सामान अच्छा तो चलो उतना नहीं, पर सस्ता तो बहुत ज्यादा है और इतना बुरा भी नहीं, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, तो अब कपड़ा भी, सब कुछ चाइनीज, ठीक है। तो ये इकोनॉमी है जो डिसाइड करेगी कौन किस पर राज करेगा, देश के लोग खुद। तो हम छोटे छोटे हैं, 13 के 13। आज अगर इंग्लैंड से आजादी पा भी लिया, बहुत जल्द होगा क्या? फ्रांस के प्रोडक्ट्स यूज होंगे और फिर फ्रांस के गुलाम बनेंगे। तो हमें यूनाइट होना जरूरी है। ये 13 के 13 देशों ने एक एग्रीमेंट साइन किया कि क्यों ना एक हो जाए। ये कहते कैसे एक हो जाए? सोच अलग है हमारी, काम करने का तरीका अलग है, हमारे लोगों का टोटल क्राइम को लेकर सोच, ठीक है, दया को लेकर सोच, कैसी सजाएं होनी चाहिए, सब अलग है। तो कहते ठीक है ना, हम 13 के 13 देश मिलकर एक क्या बनाते हैं? फेडरेशन, और काम बांट लेते हैं। सारे काम हम 13 के 13 कंट्रीज कह लो या स्टेट्स कह लो, एक ही बात है, 13 के 13 स्टेट्स अपने फैसले खुद ले। लेकिन 4-5 मेन चीजें, जैसे कि करेंसी होगी, करेंसी सब में सेम रहेगी। एक्सटर्नल अफेयर्स हुआ, वो भी सब में सेम रहेगा। एक का दुश्मन यानी बाकी 12 का दुश्मन। अगर कोई देश इन 13 में से किसी एक से दुश्मनी करेगा तो, लड़ाई करेगा, तो बाकी 12 भी से भी लड़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर स्पेस, फिर टेलीकॉम, ठीक है, फिर कम्युनिकेशन, आना जाना, ये वो, ये सब चीजें सब में सेम रहनी चाहिए। मेरा पॉइंट समझ में आया? तो जब ये डिसाइड हो गया तो इन्होंने कहा ये अच्छा रहेगा, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो ये इकट्ठे हो गए, इन्होंने काम बांट लिए, यानी कि इन 13 स्टेट्स ने क्या किया? डिवीजन ऑफ पावर किया, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ पावर कुछ भी कह लो, काम बांट लिए, काम सेंट्रल स्टेट का, और 90% काम हर स्टेट अपना फैसला खुद ले, सिर्फ 10% काम उन्होंने दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ये एक देश बन गए।
समझ में आ गया, और दुनिया की पहली फेडरेशन बनी। कहते हैं कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है, और ये इतना ताकतवर बना, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग फेडरेशन बन गई। चढ़दे सूरज नु सलामा डुबदे नु कौन पुछदा, चढ़दे सूरज नु सलामा डुबदे नु कौन पुछदा, ये सूरज चढ़ना स्टार्ट होया। नाल दे देश कहंदे सानू ही नाल रला लो, 13 का 14 हुआ, 15 हुआ, बढ़ता बढ़ता 50 स्टेट्स को मिला के आज की डेट में ये फेडरेशन जिंदा है, और आज भी सबसे कामयाब फेडरेशन, सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे स्ट्रॉन्ग देश है ये दुनिया का। कौन सा है? ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐसे बना था यूएसए, 13 देश इकट्ठे हुए और करते करते काम बांट लिया, ये सेंटर काम, ये स्टेट का काम, इसे कहते हैं फेडरेशन, जहां काम बांट लिया जाए। ठीक है जी, तो ये यूएसए के बनने की कहानी है। तो वहां पर हर स्टेट की अपनी एक हाई कोर्ट है, और सेंटर की क्या है, फेडरल कोर्ट, और वहां की फेडरल कोर्ट का काम क्या है, सिर्फ दो स्टेट्स के आपस में लड़ाई, या एक स्टेट की एक से ज्यादा स्टेट वन स्टेट टू स्टेट थ्री से लड़ाई, या कई स्टेट्स की सेंटर से लड़ाई, तो फैसला कौन सुनाएगी, फेडरल कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट, वहां की सुप्रीम कोर्ट। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ की सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट तो है, मगर साथ साथ एपलेट कोर्ट भी है, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप कहां जा सकते हैं। तो ज्यादा वास्ट और ज्यादा एक्सटेंसिव पावर्स दे रखी हैं हमने सुप्रीम कोर्ट को। ये अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट की तरह नहीं है कि फेडरल कोर्ट है, बल्कि एक फाइनल कोर्ट ऑफ अपील भी है। और ये आइडिया कहां से ले हुआ, लाइक ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स, द अपर हाउस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, और हमारा ये सुप्रीम कोर्ट फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत के संविधान की किसी बात का मतलब समझ में नहीं आ रहा तो कौन बताएगा। दो इंटरप्रिटेशन निकल रही है, किस इंटरप्रिटेशन को सही माना जाएगा, कौन बताएगा, सुप्रीम कोर्ट। फिर गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत के संविधान की रक्षा करते हैं, अगर कोई लॉ बन जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरों से बाहर है तो उसको नल एंड वॉइड कर देंगे। अभी 3 फार्म बिल्स उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लग गया, इज इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस ग्राउंड पर तो नहीं, लेकिन बाकी और भी ग्राउंड्स की वजह से उसको स्टे कर दिया उसकी इंप्लीमेंटेशन को, पर कहा ये पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशनली सही भी नहीं है, समझ में आया। देन गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, अगर किसी का फंडामेंटल राइट वॉलेट होता है, फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में गिवन है, पार्ट 3 में, तो आप डायरेक्टली कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, और अगर आप जाते हो हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। मोरओवर, ठीक है, ये रिट्स 5 तरह के थे, मैं पहले बताया हुआ है। ठीक है, और हमारी सुप्रीम कोर्ट की कुछ एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, केरला एजुकेशन बिल केस में मांगी। ठीक है, फिर जो ये अयोध्या का राम जन्मभूमि मंदिर का केस है उसमें मांगी, बहुत बार सलाह मांगता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से। फिर सुपरवाइजरी, सभी हाई कोर्ट्स के ऊपर सुपरविजन भी करती है कौन, सुप्रीम कोर्ट। इसी कारण से अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर क्या कहते हैं, ये ड्राफ्टिंग कमिटी के मेंबर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है इसके पास दुनिया की सभी सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले में सबसे ज्यादा पावर्स है। ठीक है जी, और जो ज्यूरिसडिक्शन और पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट को हम 8 तरह से स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ये क्या है, जिसके लिए बेसिकली सुप्रीम कोर्ट बनी, कि अगर सेंटर की लड़ाई हो जाए एक या एक से ज्यादा स्टेट्स के साथ, या फिर बिटवीन सेंटर एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन वन साइड एंड वन और मोर और अदर स्टेट्स ऑन अदर, ये सेंटर प्लस स्टेट दूसरी स्टेट से स्टेट। ठीक है जी, तो एज अ फेडरल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड द डिस्प्यूट, ओके, देन बिटवीन टू और मोर स्टेट्स, यहां पर ये एज अ फेडरल कोर्ट काम कर रही है और एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब मुझे बताओ, ये सुप्रीम कोर्ट का इन तीनों मैटर्स में एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन बनती है, इसका क्या मतलब है, एक्सक्लूडिंग इट एक्सक्लूड्स ऑल अदर कोर्ट्स, किसी और कोर्ट में ऐसा केस नहीं चल सकता। एक्सक्लूसिव मीन्स नो अदर कोर्ट कैन डिसाइड सच डिस्प्यूट्स, एंड ओरिजिनल मीन्स द पावर
टू हियर सच डिस्प्यूट इन द फर्स्ट। ओरिजिनल वर्ड क्या मतलब है? एक्सक्लूसिव का मतलब है बाकी सबको बाहर निकाल दिया, ओरिजिनल मतलब ही सीधा सीधा केस इन फर्स्ट इंस्टांस कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट, ना कि अपील के द्वारा। ओके आगे चले। फिर विद रिगार्ड टू एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, ठीक है, दो पॉइंट्स नोट करने लायक है। पहला, डिस्प्यूट वो जाएगी, ठीक है, जिसमें कोई एक सवाल हो, चाहे वो सवाल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट हो, ठीक है, ऑन विच द एग्जिस्टेंस और एक्सटेंट ऑफ अ लीगल राइट डिपेंड्स। मात्र एक पॉइंट क्लियर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जाएगा। अधिकारों का जहां हनन हो रहा है, जहां वॉयलेशन हो रहा है, जहां लीगल राइट्स इन्वॉल्व्ड है, केवल वहां पर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, फिर चाहे वो क्वेश्चन ऑफ लॉ हो या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ क्वेश्चन ऑफ लॉ को लेकर जा सकते, इट कुड बी अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट एज वेल, ठीक है। फिर अब जो पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं वो यहां नहीं जाएंगे, नो पॉलिटिकल क्वेश्चन, दे आर एक्सक्लूडेड। टू, पहली बात तो क्लियर होगी, एनी सूट ब्रॉट बिफोर द सुप्रीम कोर्ट बाय अ प्राइवेट सिटीजन अगेंस्ट द सेंटर और स्टेट कैन नॉट बी एंटरटेन्ड अंडर दिस। अब अगर कोई आदमी सेंट्रल गवर्नमेंट पे केस करता है तो क्या वो भी सीधा सुप्रीम कोर्ट जाएगा? आंसर इज नो, क्लियर, वो स्टेट के खिलाफ करेगा, वो पहले हाई कोर्ट जाता है। फिर आगे, दिस ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड टू द फॉलोइंग। अब ये चीजें ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आती है, ठीक है, वो क्या है? पहला, अगर कोई संविधान के लागू होने से पहले की कोई ट्रीटी, कोई एग्रीमेंट, कोई कॉवेनेंट, एंगेजमेंट, सनद या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है, उससे कोई डिस्प्यूट पैदा हो रही है, ये बात है रेड विद आर्टिकल 131, समझ में आया? तो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में प्रेसिडेंट सलाह मांगेगा सुप्रीम कोर्ट से, और फिर सुप्रीम कोर्ट को सलाह देनी होगी। वैसे एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट इज नॉट बाउंड टू गिव एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ, समझो, आर्टिकल 143 की बात कर रहा हूं, 143 क्या कहता है? प्रेसिडेंट चाहे तो कोई सवाल पूछ सकता है सुप्रीम कोर्ट से, फिर चाहे वो लॉ का सवाल हो या फैक्ट, सच क्या है। जैसे कि हुआ क्या था, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस में सरकार चाहती थी वही चीज दोबारा बना दी जाए जो यहां पहले थी। अगर तो पहले यहां मंदिर था, दोबारा मंदिर बना दो, अगर यहां पहले मस्जिद था, दोबारा मस्जिद बना दो, अपने को क्या चाहिए, दुनिया खुश रहे बस। तो प्रेसिडेंट ने, यानी पीएम के कहने पर, प्रेसिडेंट ने सलाह मांगी सुप्रीम कोर्ट से, आप बताओ जी पहले यहाँ क्या होता था, जो आप कहोगे वही दोबारा बना देंगे। सुप्रीम कोर्ट कहती बड़े शैतान हो तुम, हमें पता है कि तुम चाहते तो यही है मंदिर बने, ठीक है, लेकिन हमारे सिर पे, जिसे कहते हैं वो कर रहे हो सारा काम, हमारे कंधे पर दुख चला रहे हो, समझ में आया? कहते तुम्हारा काम है खुद पता करो पहले क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह देने से मना कर दिया। अब क्या पूछा था प्रेसिडेंट ने? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट कि पहले यहां क्या था, समझ में आया? और वैसे सुप्रीम कोर्ट मना कर सकती है सलाह देने से, एक सिचुएशन ऐसी है, ये पंजाब में जुडिशरी में 2010 में क्वेश्चन आया था, कब मजबूर हो जाती है सुप्रीम कोर्ट, उसे जवाब देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, ठीक है, और वो कब देना पड़ेगा? जब ट्रीटी एग्रीमेंट को लेकर बात हो, वो ट्रीटी एग्रीमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले का है। पूछो क्वेश्चन, आगे आंसर, ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट। फिर ये वाला पॉइंट समझ में आ गया, अ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी ट्रीटी एग्रीमेंट एटसेट्रा व्हिच स्पेसिफिक प्रोवाइड द सेट ज्यूरिसडिक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू सच अ डिस्प्यूट, ठीक है। नेक्स्ट, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, कावेरी वाटर डिस्प्यूट, सतलुज यमुना डिस्प्यूट, हरियाणा पंजाब में भी लड़ाई है सतलुज के पानी में, सतलुज यमुना लिंक को लेकर, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट सीधा नहीं जाएंगे। फिर फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 जो है वो बोलता है कि फाइनेंस कमीशन बनेगा, हर 5 साल के लिए बनेगा, जिसमें एक तो होगा चेयरमैन और उसके नीचे होंगे 4 मेंबर, ठीक है, ये बताएंगे कि जितना पैसा इकट्ठा सरकार कर रही है वो सेंटर और स्टेट आपस में किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, इतना तेरा इतना मेरा,
टैक्स इकट्ठा हो रहा है, स्टेट इकट्ठा करके सेंटर को देती है, पर वो पैसा बटेगा किस रेशो में, किस परसेंटेज में, कितना रखेगा सेंटर कितना स्टेट, सलाह कौन देगा? फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट। तो मैटर्स रेफर टू द फाइनेंस कमीशन, तो उसको लेकर लड़ाई हो जाएगी, क्या बात बनती, इतना कम क्यों दे रहे हो, क्या सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा, और जुरिस्डिक्शन में नहीं जाएगा, फाइनेंस कमीशन देखेगा इसको। देन एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, ये भी ओरिजिनल में नहीं जाएगा, और ये सब के लिए केस लॉज है। ऑर्डिनरी डिस्प्यूट ऑफ कमर्शियल नेचर बिटवीन सेंटर और स्टेट, कोई भी कमर्शियल डिस्प्यूट है, इस काम को इतना पैसा दिया था तुमने, जो बचा वापस नहीं किया, डैश डैश। देन रिकवरी ऑफ डैमेजेस बाय स्टेट अगेंस्ट सेंटर, ठीक है, जो नुकसान हुआ सेंटर की वजह से स्टेट को, अगर उसकी भरपाई है तो क्या उसके लिए भी सेंटर, क्या उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते। देन इन 1961 द फर्स्ट सूट अंडर द ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वॉज ब्रॉट बाय वेस्ट बंगाल अगेंस्ट द सेंटर, ठीक है जी। द स्टेट गवर्नमेंट चैलेंज द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द कोल बियरिंग एरियाज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 1957 पास्ड बाय द पार्लियामेंट, हाउएवर सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड द सूट बाय अपहोल्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द एक्ट। पहली बार जो स्टेट गई थी ओरिजिनल जुरिसडिक्शन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट में, वो थी वेस्ट बंगाल, क्यों? सरकार ने कब्जे में ले ली थी वहां की कोयले की खदाने, मगर सुप्रीम कोर्ट में वेस्ट बंगाल हार गई और सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट कोयले खदान जो अपने अंडर ले ली उसने वो वैलिड माना गया। क्लियर, चले आगे, और आगे चलते हैं क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट जाएगी ना, स्टेट जाएगी ना, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट। इंटरस्टेट रिवर वाटर ट्रिब्यूनल बना हुआ है, उसमें जाओ, ठीक है जी, वाटर ट्रिब्यूनल बना हुआ है, ओके, उसमें जाओ आप। हाँ, उसके फैसले के खिलाफ एपलेट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही है। पॉइंट समझ में आ गया, और आगे चलते हैं। रिट जुरिसडिक्शन, अब ये मैं बता चुका हूं, सुप्रीम कोर्ट में 5 प्रकार की रिट होती हैं, ठीक है, जब भी फॉर्म राइट वॉलेट होगा तो आप रिट डाल सकते हैं डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 टू द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। आगे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द सुप्रीम कोर्ट एज गवर्नर डिफेंडर, ये पता ही आपको बता चुका हूं, ये रिट्स के नाम है, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्यूओ वारंटो एंड सर्शियरी, ठीक है। जब भी कोई एग्रीव्ड सिटीजन है जिसके फंडामेंटल राइट्स इंफ्रिंज हो रहे हैं, ओके, यहां पर सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिसडिक्शन बनती है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट। एक आदमी फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन के केस में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ठीक है, और ना कि अपील के द्वारा, ओके। हालांकि यहां पर सुप्रीम कोर्ट की पावर एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि हाई कोर्ट भी जा सकता है अंडर आर्टिकल 226, हाई कोर्ट भी एंटरटेन कर सकती है, ओके। नेक्स्ट, देयरफॉर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट विद रिगार्ड टू फेडरल डिस्प्यूट्स इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल जुरिसडिक्शन विद रिगार्ड टू डिस्प्यूट्स एंड टू फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स की वाली जुरिसडिक्शन और स्टेट्स वाली ओरिजिनल वो अलग है। In the first case, it is exclusive, and in the second case, it is concurrent. ये दो words आए हैं। जो center की state के साथ लड़ाई, जो center की state के साथ लड़ाई, या state की state के साथ लड़ाई, या एक state की कई states के साथ लड़ाई, ये original भी है, exclusive भी है। लेकिन fundamental rights की infringement पे जो writ करते हो, वो ओरिजिनल तो है प्लस एक्सक्लूसिव भी है। ओरिजिनल यानी कि कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस भी जा सकते हो, बट नॉट एक्सक्लूसिव, क्यों? हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ओके। चलिए आगे। अब देयर इज आल्सो अ डिफरेंस बिटवीन द जुडिशियल सुप्रीम कोर्ट एंड दैट ऑफ द हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एंड इश्यूड इट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल, सुनो जी, लीगल राइट्स की एनफोर्समेंट के लिए हाई कोर्ट में तो रिट हो सकती है, बट नॉट इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की नैरो जुरिसडिक्शन है, हाई कोर्ट की वाइडर है। हाई कोर्ट दोनों तरह के केसेस ले लेगी,
कौन सी रिट्स लड़ेगी? लीगल राइट की वॉयलेशन और फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन। पर सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तब लेगी वेयर देयर इज अ वॉयलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये देखो, सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, नॉट फॉर लीगल राइट्स। हाई कोर्ट ऑन द अदर हैंड कैन इशू रिट्स नॉट ओनली फॉर फंडामेंटल राइट्स बट आल्सो फॉर अदर पर्पसेस, यानी लीगल राइट्स की बात हो रही है। ओके, तो इस तरह से किसकी वाइडर है रिट जुरिस्डिक्शन? हाई कोर्ट ज्यादा तरह केस ले सकती है। ओके, बट पार्लियामेंट कॉन्फर ऑन द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू इश्यू रिट्स फॉर अदर पर्पसेस आल्सो। पार्लियामेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को बढ़ा सकता है, पर नहीं बढ़ाया अभी। ओके, यहां तक कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो पूछो। क्या मैं चलूं आगे? सर, आई डिड नॉट गेट सेकंड लास्ट पैरा फर्स्ट लाइन, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लाइन। देयरफॉर द ओरिजिनल, देयरफॉर द, यस सर, देयरफॉर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट विद रिगार्ड टू फेडरल डिस्प्यूट्स इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन विद रिगार्ड टू डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। समझो, फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन के केस में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट तो जा सकते हो, पर एक्सक्लूसिवली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, बिकॉज हाई कोर्ट की भी जुरिस्डिक्शन बनती है तो कॉन्करेंट जुरिस्डिक्शन हो गई। लेकिन जब भी सेंटर की स्टेट के साथ लड़ाई या स्टेट की स्टेट के साथ लड़ाई, तो केवल केवल और केवल ओरिजिनल भी एक्सक्लूसिव भी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ही जाना होगा, हाई कोर्ट जा ही नहीं सकते। क्लियर हो गया? एक्सक्लूसिव और कॉन्करेंट वाली बात समझ में आ गई वंशिका? नो सर, नहीं आई। समझो, ये देखो दो बातें हो रही हैं, फंडामेंटल राइट की वॉयलेशन, और दूसरी बात क्या हो रही है? लीगल राइट की वॉयलेशन। इसमें आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, इसमें और इसमें आप सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों में जा सकते हो। क्लियर, समझ में आया? अब सेंटर और स्टेट की लड़ाई, या स्टेट की स्टेट से लड़ाई, या एक स्टेट की सेंटर प्लस स्टेट से लड़ाई, या स्टेट की एक से ज्यादा स्टेट वन स्टेट टू स्टेट थ्री से लड़ाई, ये चार प्रकार की लड़ाइयां जो है, इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, और ओनली सुप्रीम कोर्ट ही जाना होगा in its original jurisdiction, in its original jurisdiction, ठीक है? मगर fundamental rights की violation में आप supreme court भी जा सकते हो, high court भी जा सकते हो, बस इतनी सी बात है। तो fundamental rights की violation के केस में जब आप writ लेकर जाते हो, तो original jurisdiction तो आपको है, आपके पास है, आप directly जा सकते हो supreme court, लेकिन exclusive नहीं है। क्यों? क्योंकि high court भी तो जा सकते हो, पर जहां पर बात आ जाती है सेंटर और स्टेट की लड़ाई, या स्टेट के स्टेट से लड़ाई, तब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है और साथ में एक्सक्लूसिव भी है। क्यों? हाई कोर्ट का पत्ता काट दिया, हाई कोर्ट नहीं जा सकते। समझ में आया? अब क्लियर हुआ वंशिका? यस सर, क्लियर। पक्का? यस सर। अगर कोई चीज दो बार सुनने के बाद भी ना समझ में आए ना, तो लेक्चर के बाद मुझे फोन कर लिया करो, मैं फोन पे दोबारा समझाऊंगा। एनीबॉडी, क्लियर? जो समझ में ना आए क्लास में पूछो, सबके सामने पूछो। क्लियर? एक बार नहीं होता तो दो बार पूछो, दो बार नहीं होता तो क्लास के बाद मुझे फोन कर लो, अकेले अकेले को समझाऊंगा। क्लियर? मिल लो, पकड़ लो मुझे अगर ये लोकल हो, ठीक है जी? नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। The parties involved in the first case are units of the federation, while the dispute in the second case is between citizen and government. देखो, fundamental rights violate हो रहे हैं तो citizen क्यों हो रहे हैं? तो citizen की government से लड़ाई है, पर पहले case में तो क्या state की state से, central की state से? Clear? तो this is also a difference between the writ jurisdiction of Supreme Court and of the High Court. High Court की writ jurisdiction wider है, legal राइट्स और फंडामेंटल राइट्स दोनों की एनफोर्समेंट रिट के द्वारा होती है, पर केवल फंडामेंटल राइट्स की एनफोर्समेंट ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होती है, इसलिए रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर। ठीक है जी, और आगे चलते हैं। ये सब हो गया था, अब हम एपलेट पर आ गए।
चलो स्टार्ट करें। अब देखो चार प्रकार की अपील्स हम स्टडी करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, सिविल मैटर्स, क्रिमिनल मैटर्स और एसएलपी 136 की अपील, इसको कहते हैं आर्टिकल 136 की अपील, एसएलपी स्पेशली पिटीशन। क्लियर? ये क्या होता है कि जब आप हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते हो तो दो चीजें होनी जरूरी है। पहली चीज, देयर इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ओके, और दूसरा हाई कोर्ट दैट पास द ऑर्डर इट सर्टिफाइज दैट देयर इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। पहले तो सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होना चाहिए और दूसरा हाई कोर्ट सर्टिफाई करेगी देयर शुड बी अ सब्सटेंशियल, देयर इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। पर एक हाई कोर्ट का जज जो फैसला सुना रहा है अपने ही फैसले को चैलेंजेबल बनाने के लिए क्यों सर्टिफाई करेगा, यस देयर इज अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ दैट आई कुड नॉट रिप्लाई। समझ में आया? तो ऐसे में 136 का प्रावधान है आर्टिकल 130 एसएलपी कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जाके कहो मुझे परमिशन नहीं मिली हाई कोर्ट से, आप सुनो। समझ में आया? तो एसएलपी लगाई जाती है। इस माय पॉइंट क्लियर? चले आगे, और आगे चलते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में जो अपील जाती है हम उसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इन कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस एन अपील कैन बी मेड टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट इफ हाई कोर्ट सर्टिफाइज दैट द केस इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, ओके, या फिर देयर इज अ नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, संविधान की लिखी, संविधान में लिखी, बिकॉज फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को बताना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन की इस बात का क्या मतलब है, या फिर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है कि लॉ में कोई बात है वो क्लियर नहीं है, तो उसको भी कहते हैं हम सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। और आगे चलते हैं, बेस्ड ऑन द सर्टिफिकेट द पार्टी इन द केस कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट द क्वेश्चन हैज बीन रॉन्गली डिसाइडेड। समझ में आया? दो बातें आई अभी सामने आपके, जब सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ हो ये लिख देते हाई कोर्ट, या फिर हाई कोर्ट माने कि देयर इज अ नीड ऑफ फाइनल इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तब भी आपका रिट का, आपका अपील का अधिकार बन जाता है सुप्रीम कोर्ट। पॉइंट समझ में आया? ये हो गए कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर। अब आता है सिविल मैटर। सिविल मैटर क्या है? पहले कभी इसमें 20,000 रुपए की सीमा हुआ करती थी, लेकिन 30th अमेंडमेंट में 1972 में इसको खत्म कर दिया। पहले रूल ये था 20,000 रुपए से ज्यादा वैल्यू का अगर आपका केस है तो आपका सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। बीजर है क्या आजकल? आजकल तो बच्चे बर्थडे पार्टी के लिए पापा से मांग लेते, पापा बर्थडे आ रहा है देना पड़ेगा। समझ में आया? तो इस कारण से ठीक है, अब 20,000 की वैल्यू कुछ नहीं रहेगी, ओके, तो इसको खत्म कर दिया गया। इन सिविल केसेस एन अपील लाइज द सुप्रीम कोर्ट फ्रॉम एनी जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट इफ द हाई कोर्ट सर्टिफाइज। कब सिविल केस में सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट बनता है, ये बता रहे हैं। दो बातें होनी चाहिए, दोनों ही होनी चाहिए। पहला सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, और दूसरा ठीक है that the question needs to be decided by the Supreme Court. ये सर्टिफिकेट आ गया आपके पास क्या हाई कोर्ट से, नहीं मिला तो SLP पे जाओ 136। क्लियर? समझ में आया? 20,000 वाली बात कब खत्म हुई? 30th अमेंडमेंट 1972 पेक्यूनरी लिमिट थी। आगे क्रिमिनल मैटर्स, वेरी इंटरेस्टिंग, इसमें पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। सीधी सी बात है, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का आपका राइट कब बनता है? जब एक आदमी के एक्विटल ऑर्डर को आपने हाई कोर्ट ने उल्टा करके सीधा डेथ पेनल्टी दे दी, रिवर्स किया है। समझो
कि सबसे पहले लोअर कोर्ट में बंदे को कर दिया एक्विट, यानी बाइज्जत बरी, आदमी निर्दोष है, ये बोल दिया। और इसके खिलाफ अपील हो गई हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट कहती है, और हाई कोर्ट कहती है इस आदमी को दे दो डेथ पेनल्टी। जमीन आसमान का फर्क है ना, थोड़ा बहुत फर्क होता है समझ में आते है, तो जमीन आसमान का फर्क है। इससे एक बू आ रही है कि हाई कोर्ट ने अपनी पावर का मिसयूज किया, या फिर शायद लोअर कोर्ट ने अपनी पावर का मिसयूज किया था, इतना बड़ा फर्क जजमेंट का, समझ में आया। तो यहां पर अब सुप्रीम कोर्ट देखेगी घपला हुआ कहां है। आपका अधिकार बनता है डेथ पेनल्टी के केस में सुप्रीम कोर्ट जाने का, याद कर लो, सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार बन जाता अगर डेथ पेनल्टी है तो। दूसरा, हालांकि हर डेथ पेनल्टी में क्या सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है? नो सर। लोअर कोर्ट ने भी दे दिया डेथ पेनल्टी और हाई कोर्ट ने भी दे दिया डेथ पेनल्टी, तो क्या आपका सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया हुआ सर, होना चाहिए ना, होना चाहिए, पर कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिया ये अधिकार। किसने दिया? सीआरपीसी ने दिया, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ने यह अधिकार दिया हुआ है। 372 374 अगर आप पढ़ते हो तो उसे 374 क्लॉज 1 उसमें यही है, क्लियर। चले आगे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखा हुआ है, ओके। और आगे चलते हैं। अब एक केस चल रहा था हाई कोर्ट में, ठीक है, अभी फैसला नहीं आया, सॉरी उल्टा बोल हो गया, सुनो, अगर एक लोअर कोर्ट में केस चल रहा था, हाई कोर्ट ने वो छीन लिया, इसे क्या बोलते हैं, टेकन बिफोर इटसेल्फ। हाई कोर्ट हैज टेकन बिफोर इटसेल्फ अ केस पेंडिंग इन द लोअर कोर्ट एंड अवार्डेड डेथ पेनल्टी। यहां भी घपले की बू आ रही है, समझ में आया, जान पहचान लग गई, लिंक यूज हो गया, या पैसे खा लिए, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो यहां पर भी जिसको डेथ पेनल्टी की सजा हुई है उस इंसान का या उस इंसान के बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट जाने का राइट बनता है। जिंदगी एक बार जो गई दोबारा तो आनी नहीं, समझ में आया। और तीसरा, और हमारी जुडिशरी कहती है कि डेथ पेनल्टी शुड बी अवार्डेड ओनली इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। चले आगे, नेक्स्ट। फिर अगर बोलो जी कुछ पूछना है, नेक्स्ट। फिर अगर हाई कोर्ट सर्टिफाई कर दे कि दिस केस इज फिट वन फॉर अपील टू सुप्रीम कोर्ट, तब भी राइट बनता क्रिमिनल केसेस में। खुद हाई कोर्ट ने कह दिया कि आपका अधिकार बनता है तो बनता है, जाओ एज अ मैटर ऑफ राइट जाओ। फिर इन फर्स्ट टू केसेस एन अपील लाइज टू सुप्रीम कोर्ट एज अ मैटर ऑफ राइट, दैट इज विदाउट एनी सर्टिफिकेट ऑफ द हाई कोर्ट। जहां भी डेथ पेनल्टी है, अगर अगर एक्विटल ऑर्डर को रिवर्स करके डेथ पेनल्टी दी गई है, या फिर लोअर कोर्ट के डिसाइड करने से पहले ही हाई कोर्ट ने केस को छीन के डेथ पेनल्टी दे दी, तो दोनों में तो आपका राइट बनता है, मगर थर्ड की बात डिफरेंट है। बट इफ द हाई कोर्ट हैज रिवर्स द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन एंड हैज ऑर्डर द एक्विटल ऑफ द अक्यूज्ड, देयर इज नो राइट टू अपील। अब सुनो, ये उल्टी बात कर रहे हैं। अब हुआ क्या है कि लोअर कोर्ट ने, यानी कोर्ट ऑफ सेशन ने दे दी डेथ पेनल्टी, मगर हाई कोर्ट ने इसको कर दिया एक्विट कि बंदा बेकसूर है, तो भी क्या अब तो सॉफ्ट हो रहे हैं ना हम, बंदे की जान बच गई, अब भी क्या एज अ राइट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो? स्टेट जो है वो जा सकती है, सरकार जिसने केस बनाया था, नहीं जा सकती, राइट नहीं है। अपील अप्लाई कर सकते हैं, नॉट एज अ मैटर, ये पढ़िए ना, लिखा हुआ है, बट इफ द हाई कोर्ट हैज रिवर्स द ऑर्डर ऑफ कन्विक्शन, यानी कोर्ट ऑफ सेशन ने क्या बोला था, सजा दो बंदा गलत है, एंड हाई कोर्ट ऑर्डर एक्विटल ऑफ द अक्यूज्ड, ओके, देयर इज नो राइट टू अपील इन द सुप्रीम कोर्ट। चले आगे, सुप्रीम कोर्ट उसमें राइट नहीं है, ठीक है। अब 1970 में एक लॉ पास हुआ था, उसमें सीधा बोल दिया था कि 10 साल से ऊपर सजा है तो आपका राइट बनता है, पर इसको देख के फिर हमने सीआरपीसी में अमेंडमेंट्स कर ली थी, ठीक है जी। अब पार्लियामेंट हैड एनलार्ज्ड द क्रिमिनल एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट
accordingly an appeal lies to Supreme Court for the judgment of a High Court if the High Court has. अब कब कब इस लॉ के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट जाना अपील करना आपका राइट बनता है. इसके अंदर दो पॉइंट है. पहला, 10 साल से ज्यादा सजा अगर अपील पर या ऑर्डर को रिवर्स करके, ठीक है, एंड ऑर्डर ऑफ एक्विटल, ठीक है, वॉज कन्वर्टेड इंटू एनी पनिशमेंट ऑफ मोर देन 10 years और लाइफ इंप्रिजनमेंट, आपका राइट बनता है सुप्रीम कोर्ट जाने का. Has taken before itself any case from any subordinate, taken before, छीन लिया, and convicted the accused and sentenced him to imprisonment for life and 10 years. 10 साल वाली बात 1970 के क्रिमिनल अमेंडमेंट में आई है. The Parliament Criminal Appellate Jurisdiction Act पास हुआ था. Clear? चले आगे. और further, the appellate jurisdiction of Supreme Court extends to all civil and criminal cases in which Federal Court of India had jurisdiction to hear appeals from the High Court, but which are not covered under the civil and criminal appellate jurisdiction of the Supreme Court mentioned above. अब एक आम, आप बताओ क्या आप तो निकला इसका, कैसे इंटरप्रेट करोगे? करो करो इंटरप्रेट सारे. जो केस फेडरल कोर्ट में जा सकते हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. फेडरल कोर्ट खत्म हो गया, तो सुप्रीम कोर्ट बन गई, खत्म. चले आगे. ठीक है, अगला और आखिरी आता है अपील बाय स्पेशल लीव, जिसको हम SLP कहते हैं, स्पेशल लीव पिटीशन. मगर ये डिस्क्रिशनरी पार होती है कोर्ट की, नॉट एज अ मैटर ऑफ, कैन नॉट बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट. जब हाई कोर्ट ने आपको सर्टिफाई नहीं किया दैट देयर इज अ फिट क्वेश्चन ऑफ लॉ, सुप्रीम कोर्ट इज ऑथराइज्ड टू ग्रांट इन इट्स डिस्क्रिशन स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट इन एनी मैटर पास्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ ट्रिब्यूनल. लेकिन SLP कभी मिलिट्री ट्रिब्यूनल के जजमेंट के खिलाफ नहीं पड़ती. दूसरा, कोर्ट मार्शल की सजा के खिलाफ भी SLP नहीं पड़ती. दिस प्रोविजन कंटेन्स द फोर एस्पेक्ट्स. चार चार एस्पेक्ट्स किसे क्या है? पहला, ये डिस्क्रिशनरी है, ओके, और ये किसी भी जजमेंट के खिलाफ हो सकता है, चाहे वो फाइनल जजमेंट हो या इंटरलॉकेटरी ऑर्डर हो. SLP इंटरलॉकेटरी ऑर्डर के खिलाफ हो सकती है. आंसर इज यस. इंटरलॉकेटरी क्या होता है? इंटरमीडिएट, अभी केस का फाइनल फैसला नहीं हुआ, बीच में. क्लियर? इंटरिम. और इट मे बी रेड टू एनी मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल सिविल और क्रिमिनल, इनकम टैक्स, लेबर, किसी भी SLP हो सकती है. देन इट कैन बी ग्रांटेड अगेंस्ट एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एंड नॉट नेसेसरी अगेंस्ट हाई कोर्ट. ये किसी भी कोर्ट के खिलाफ हो सकती है, लेकिन मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ नहीं हो सकते. ओके, दस द स्कोप ऑफ दिस प्रोविजन इज वेरी वाइड एंड इट वेस्ट विद द सुप्रीम कोर्ट विद द प्लेनरी जुरिसडिक्शन टू हियर अपील्स. On the exercise of this power, the Supreme Court itself held that being an exceptional and overriding power, it has to exercise sparingly. ऐसा नहीं है चक्के जो SLP लगा रहे हैं उसको हाँ बोल दो. समझ में आया? इसको sparingly use करना है, with caution use करना है. Supreme Court ने पहले देखना है क्या इसको entertain करना ठीक रहेगा या नहीं. नहीं रहेगा SLP उड़ा के मारते हैं, dismiss कर देंगे. पूछो. Beyond that, it is not possible to fetter the exercise of this power by any set formula. क्या रूल है? किस SLP को सुना जाएगा, किस SLP को ना सुना जाएगा? कोई भी स्ट्रेट रूल नहीं है. क्लियर? ओके, खत्म होता है हमारा टॉपिक ये वाला. ठीक है, अगली बार हमारे लेक्चर कहां से शुरू होगा? एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आर्टिकल 143. ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो हम अगले सेशन में करेंगे. एनी क्वेश्चन?